हेलो दोस्तों। तो दोस्तों आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो दोस्तों आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा कि आप अपने एप्लीकेशन को कैसे रिमूव कर सकते हैं। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप देखिएगा दोस्तों। वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मुझे फॉलो करते रहिए और बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए। तो चलिए दोस्तों हम लोग वीडियो को अब स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आपको जीमेल अकाउंट में जाना होगा। जीमेल अकाउंट में जा करके यहाँ पर ही ऊपर साइड में आपको चले जाना होगा और गूगल अकाउंट को ओपन कर लेना होगा। तो गूगल अकाउंट को ओपन करने के बाद यहाँ डाटा एंड प्राइवेसी में जाने के बाद थर्ड पार्टी स्क्रॉल करते हैं। तो दोस्तों फाइनली मुझे थर्ड पार्टी एप्लीकेशन यहाँ पर ही मिल चुका है। तो ये थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, बस थर्ड पार्टी में आपको जाना होगा। क्योंकि थर्ड पार्टी में होता क्या दोस्तों कि आपका डेटा चोरी होने का चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाता है। कॉल, कॉन्टैक्ट हिस्ट्री, फ़ोन से रिलेटेड कोई भी डेटा आपका चोरी हो सकता है। तो इसीलिए अनवांटेड थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हमेशा रिमूव करते रहना चाहिए, क्योंकि हम लोग मैक्सिमम यूज़ करते हैं थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को, जिससे कि दोस्तों हमारे जो प्राइवेसी में है, प्राइवेसी में इफेक्ट आ सकता है। तो इसलिए दोस्तों थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को हमेशा रिमूव करते रहना चाहिए और दोस्तों इसको हमेशा चेक करते रहना चाहिए कि हमारा कौन सा एप्लीकेशन है जो कि यूज़ में नहीं है, उसको रिमूव कर देना। तो यहाँ पर ही जब देखेंगे दोस्तों कि हमारा कुछ एप्लीकेशन है जो कि मुझे यूज़ में नहीं है, जैसे कि दोस्तों ये एप्लीकेशन यूज़ नहीं है मुझे, तो इस एप्लीकेशन को हमको डिलीट करना है। रनवे मेरा यूज़ में नहीं है, तो इस एप्लीकेशन को कैसे यूज़ करना है? तो बस आपको पिन इंटरेस्ट में जाना होगा। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर डिलीट ऑल कनेक्शन विद द पिन ट्रिस्ट, तो इसको डाल करके कंफर्म कर देना हो। तो ये दोस्तों आपका थर्ड पार्टी एप्लीकेशन है, हमारा यहाँ से डिलीट हो गया। आप यहाँ देख सकते हैं कि देखिए हमारा डिलीट हो गया। तो आप दूसरा कैसे करेंगे दोस्तों? रन वे, तो चलिए रन वे क्या है, रन वे को भी हमको डिलीट करना है। तो डिलीट डिलीट ऑल कनेक्शन, तो यहाँ पर ही दोस्तों देखिए डिलीट ऑल कनेक्शन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर ही जाना होगा, यहाँ पर ही जा करके आपको यहाँ पर ही कंफर्म कर देना होगा। तो यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आया कि थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को कैसे रिमूव करना, सिर्फ सिंपल स्टेप है दोस्तों। वीडियो को फॉलो कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए। और नीचे फेसबुक लिंक है, नीचे फेसबुक लिंक में जा करके मुझे फेसबुक पेज में फॉलो कर सकते हैं। कन्फ्यूजन रहा तो कमेंट कर सकते हैं, मुझसे चैट कर सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ तक दोस्तों आपको समझ में आ गया। यहाँ आप देख सकते हैं कि 6 एप्लीकेशन है जो कि हमारा थर्ड पार्टी है, जो कि मेरा यूजफुल है और मैं इसे रिमूव नहीं करूँगा, क्योंकि ये मैं रेगुलर यूज़ करता हूँ। इसको 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 ट्विटर अकाउंट और व्हाट्सएप वगैरह सबको यूज़ करता हूँ थर्ड पार्टी। तो आप दोस्तों ऐसी करके अपना कोई भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन को रिमूव कर सकते हैं, क्योंकि आपका फ़ोन हैक होने का चांसेस ज़्यादा हो जाता है, डेटा चोरी होने का ज़्यादा चांसेस रहता है, लीक होने का ज़्यादा चांसेस रह जाता है। तो दोस्तों इस मेथड को करके आप थर्ड पार्टी को रिमूव कर सकते हैं और जल्दी से नीचे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, बेल आइकन को भी जरूर दबा सकते हैं और मुझे फॉलो भी कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो के साथ और नए नॉलेज अपडेट के साथ। फिर मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।